नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। यह कुंवर नारायण की दूसरी कविता है। इससे पहले हमने कविता के बहाने कविता को पढ़ा था। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब बात करते हैं इस कविता के प्रसंग की कि कविता क्यों लिखी गई। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरह यानी कठिन हो जाती है। अब बात करते हैं हमने जो कविता का अनुच्छेद पढ़ा उसकी व्याख्या की। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में उसने प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता सरलता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों वाक्यांशों वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग में लिया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह मतलब कविता भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात भाव या विचार भी जटिल होते गए। बात करते हैं इस पैराग्राफ की इस अनुच्छेद की विशेषताओं की। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फंसना पेचीदा होना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला अनुच्छेद देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थ देखिए इसका। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, बात कठिन हो गई, तो उसने सारी समस्या को ध्यान से धैर्य से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर, यहाँ पेच खुलना यानी बात सरल होना, बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता चला गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उससे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। विशेष देखें इसका। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। बेतरह विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्द बेतरह कर्तव्य तमाशबिन साफ आदि का सुंदर प्रयोग है। मुक्तक छंद है। अब देखिए अंतिम पद। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अर्थ देखते हैं इसका। कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था।
जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई, उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेज की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। देखिए आगे, कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है, जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है, कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है, मुक्तक छंद है, काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। धन्यवाद।